जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी यस स्टूडेंट, मैम। ओके चलें हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट लेक्चर डेट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग, उसके बारे में हमने कंप्लीट वैसे डिटेल्ड वैसे कल बात की थी। और इसमें जब हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई विनिंग प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट हो गई तो उसके बाद उसको सेल आउट कैसे करते हैं, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट को आपने सेल आउट कैसे करना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसमें ये स्टार्टिंग में ये लाइन ज़रूर लिखनी है आपने, नीड्स योर काइंड सजेशन, या फिर बिकॉज इससे ये होगा कि आपको कमेंट्स, अगर विनिंग प्रोडक्ट है तो कमेंट अच्छे आएंगे, इन दैट केस आपकी प्रोडक्ट सेल आउट होगी। तो अमेजोन बताएं जी, प्रोडक्ट जो है वो आपकी प्राइवेट लेबल की है, इसके अलावा यूएसए मार्केट जो भी मार्केट है, टॉयज एंड गेम कैटेगरी है, सर्च वॉल्यूम इतना है, ठीक है। एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम आपने इंक्लूड नहीं करना, उसका यही कि एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम से प्रोडक्ट जो है वो स्टील हो जाती है। एनी हाउ, उसमें आपने क्या करना है, एवरेज रिव्यूज़ बता देने, एवरेज रेवेन्यू बता देना है, और एवरेज या तो फिर मेजोरिटी सेलर जितना अर्न कर रहे होंगे आपने या तो वो कंसिडर करना होता है, या फिर उसको टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करके टोटल नंबर पे, लाइक 20 को हम कंसिडर करते हैं ना, 20 सेलर के डाटा को, तो उस पर डिवाइड करके जो आंसर आए हम उसको एवरेज कंसिडर कर लेते हैं। प्राइस भी इसी तरह ही, मेजोरिटी सेलर 20 में से मेजोरिटी सेलर जो प्राइस लगा के बैठे होंगे हम उसको एवरेज कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। एंड नो ब्रांड डोमिनेंसी, नो अमेजोन डोमिनेंसी, एंड प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना ही, आपने चीज़ें मेक श्योर कर लेनी है। इसमें नेक्स्ट आपने क्या करना है कि नेक्स्ट अच्छा, जब आपने प्रोडक्ट सेल आउट करनी है ना, तो आपने प्रोडक्ट फॉर यूएसए एंड कीवर्ड्स डेट इज़ की होल्डर, और उसकी इमेज वगैरह लगा दें ताकि उनके लिए इजी हो जाए आइडेंटिफाई करना प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद डिटेल्स यही जो पीछे मैंने प्रीवियस आपको गाइड किया, और इसके स्टैट्स वगैरह लगा दें विद कीवर्ड्स। जब आपने सेल आउट कर लेनी है, पेमेंट आपके हैंड ओवर हो जानी है, तो फिर आपने उसको कीवर्ड भी दिखाना है और साथ स्टैट्स वगैरह शो करनी है। इन दैट केस, अगर पहले अभी कीवर्ड लेने से पहले आपने पेमेंट लेनी होती है, सिर्फ ये वाला स्टैट्स शेयर करने होते हैं, और जब आप पेमेंट वसूल कर लें तो उसके बाद फिर आपने डेफिनेटली की होल्ड ये विद कीवर्ड्स आपने स्टैट्स शेयर करने हैं। तो इसमें ये है कि ये वायरल लॉन्च के स्क्रीनशॉट है जो कि अभी यूज़ नहीं करना, बिकॉज़ वायरल लॉन्च पहले हम यूज़ करते रहे हैं, और उसमें ये चीज़ आ जाती थी कि जस्ट ये सीजनैलिटी बताता है, जो कि हमें प्रोडक्ट की ऐसे ही पता चल जाती है। सो दैट्स वाई ये पेड वन टूल है, इसको बिल्कुल बाय नहीं करना। ये आपने Helium 10 के स्क्रीनशॉट लगाने हैं, और याद रखिएगा कि टॉप 20 के स्टैट्स शेयर करेंगे, ना कि टॉप 10 के, ठीक है। कल मैंने टॉप 20 के रिगार्डिंग बात की है। सो इसी तरह Helium 10 के स्टैट्स वगैरह भी आपने इस तरह से शो कर देने। अभी मैं आपको एक सैम्पल बताती हूँ कि आपने इसको लगाना किस तरह से फेसबुक मार्केट प्लेस पे। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये देखें, एक्सट्रीम कॉमर्स ये ग्रुप है जो कि 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है इस टाइम पे, और इसमें जो है वो अच्छा, मैं अपना ही एक प्रोडक्ट का सैम्पल आपको शो करती हूँ, यानी कि आपने स्टैट्स वगैरह को किस तरह से सेल आउट किस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोडक्ट है ना, तो आप देख सकते हैं मैंने वैसे ऊपर नहीं लिखा, आपने ज़रूर राइट करना है कि नीड योर काइंड सजेशन, और तमाम स्टैट्स वगैरह आपने बता देने हैं उसमें। फिर ये है कि देखें, यहाँ पे अगर हम कमेंट्स की बात करें ना, तो कमेंट्स देखें, जस्ट वेट कीजिए। अच्छा, इसमें देखें ये लुक गुड्स, गुड हंट एंड विनिंग प्रोडक्ट, ये तमाम इस तरह के, जब आपको गुड हंट के कमेंट्स आते हैं ना, तो इन दैट केस फिर डेफिनेटली अगर किसी ने प्रोडक्ट बाय करनी है तो आपसे प्रोडक्ट बाय कर लेता है। अब इसमें आपको इनबॉक्स में अप्रोच करेगा, और आपकी ये प्रोडक्ट मैंने $300 में सेल आउट की हुई है,
एनी हाउ इसमें आपने क्या करना है कि ये देखिए ये प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन आगे जाके मैं बताती हूँ किस तरह से हम लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। इसमें आपने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट लगाना है और ये हीलियम 10 के ये जंगल स्काउट के स्क्रीनशॉट हैं ये आपने मेक श्योर करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑल ईयर और 1 ईयर का जो मैंने ग्राफ शो किया था कल वो आपने यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे ना कीवर्ड जहाँ पे भी शो हो रहा होगा वहाँ पे आपने हाइड कर देना उसको मार्क कर देना वाइटनर। इसमें ये वायरल लॉन्च के हैं जो कि आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने। और ये यहाँ पे देखें अब हीलियम 10 में आपने देखा था कल टॉप पे कीवर्ड शो हो रहा होता है और नीचे ना सर्च वॉल्यूम शो हो रहा होता है। सर्च वॉल्यूम एग्जैक्ट आपने शो नहीं करना उसको हाइड कर लेना और कीवर्ड को हाइड कर लेना। यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्ड में आपका टाइटल शो हो रहा होता है और ब्रांड्स नेम शो हो रहते हैं ये दोनों चीज़ें आपने हाइड कर लेनी है। और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ उस चीज़ को आपने टॉप 20 के रिगार्डिंग बात करनी है यहाँ पे टॉप 10 के रिगार्डिंग बात नहीं होगी क्योंकि अभी लेटेस्ट जो है ना क्राइटेरिया अपडेट हुआ पड़ा है तो इसके अकॉर्डिंग फिर आपने टॉप 20 के स्टैट्स वगैरह को शेयर करना है ना कि टॉप 10 के। सो आपने ये चीज़ें जो है ना हाइड कर लेनी है। और अच्छा इसमें भी चलिए मैं इतना रहा मेक बोलो। श्योर करती चलूँ गूगल ट्रेंड हाँ को नहीं भी करो ये ना माइक ऑन है किसी का माइक ऑफ करें। देखिए पहले विजिबिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती थी क्योंकि हमने 5 साल का ये जो है ना गूगल ट्रेंड देखना होता था। अभी जो है ना अभी कहा जाता है कि पॉइंट बी जो है ना वो 0.0 लाइन को टच नहीं करना चाहिए ऊपर जितना मर्जी जाए नीचे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से ये चीज़ें आपने मेक श्योर कर लेनी है। बाकी यानी हाउ ये पहले 5 साल का देखा जाता था अभी के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 3 ईयर के डाटा के पे ऊपर ना हम रिलाई कर लेते हैं। 3 ईयर का ग्राफ हमने एनालिसिस में लेना होता है। अभी ट्राई करते हैं कि अगर गूगल ट्रेंड एक्टिव हो तो अभी हम इसको देख लें क्योंकि कल ही हमारा रह गया था पॉइंट। तो लेट मी चेक यहाँ से आपने जो है ना यहाँ पे इसको चेंज कर लेना यहाँ से यूएसए मार्केट या यूके के लिए आप कर रहे हैं वही आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल जो कीवर्ड होगा आपने एग्जैक्ट उसी को इनकोड यहाँ पे फिर अगेन ये एरर शो कर रहा है। कीवर्ड जो भी होगा ना आपने उसी पे ही रिलाई करना है। अब यहीं से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जब ये ओपन होगा ना तो इस तरह का जो है ना ग्राफ आपके सामने आएगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे ऑप्शन आएगा ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज का कोई ऑप्शन आएगा कस्टमाइज पे क्लिक करके आपने ये 3 ईयर के अकॉर्डिंग हमने ये देखना है ग्राफ। सो डैट्स वाई आपने स्टार्टिंग 2018 कर लेना है और एंडिंग कर लेना है 2022 राइट नाउ चल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग 3 ईयर का आपके पास आ जाएगा ग्राफ और उस पर आपने रिलाई करना है। एनी हाउ इसमें आपने मार्केट ऑलरेडी पीछे हमने सर्च करके ही मार्केट पे जाना है सो ये ऑलरेडी यूएस ही यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से 3 ईयर के ग्राफ पे के ऊपर रिलाई करेंगे और उसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट का भी मैं लेने का तरीका बताती हूँ आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखें फीदर लाइक ये एक्सटेंशन है लाइट शॉर्ट एक्सटेंशन इसको कहते हैं और आपने इसको जो है ना यहाँ पे देखें स्क्रोल डाउन करके जितना भी आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है इट्स अप टू यू ठीक है वो आपने यहाँ से लेना होता है और यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो सेव हो जाएगा। एनी हाउ ये लाइट शॉर्ट एक्सटेंशन आपने क्या करना है गूगल पे राइट करना है लाइट शॉर्ट एक्सटेंशन ठीक है नीचे राइट किया हुआ आ गया है लाइट शॉर्ट एक्सटेंशन पे आपने क्लिक करना है। और एक्सटेंशन को डाउनलोड कैसे करना है ये मैंने एक प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि एक्सटेंशन को डाउनलोड कैसे करते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें रिमूव फ्रॉम क्रोम इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आपको शो होगा ऐड टू क्रोम यहाँ पे ऑप्शन कोई आएगा ऐड एक्सटेंशन उसको ऐड करके फिर आपने क्या करना है इस पर क्लिक करना है एक्सटेंशन पे फिर आपने जो भी एक्सटेंशन होगी उसको आपने पिन कर लेना है यहाँ से तो वो आपके टॉप पे शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है ना एक्सटेंशन को डाउनलोड करके उसके थ्रू स्क्रीनशॉट लेके आप इन तमाम स्टैट्स वगैरह को आपने डिफरेंट ई कॉमर्स के ग्रुप्स में आपने इस तरह से लगा देना है। और ये नहीं कहना इफ़ एनी वन इंटरेस्टेड कम आई बी या फिर इस तरह से कोई भी इस तरह की लाइन क्योंकि मेजोरिटी जो ग्रुप्स हैं ना जो फेमस एवर ग्रुप्स हैं वो आपकी पोस्ट को रिजेक्ट कर देंगे इस बेस पे ये चीज़ आप मेक श्योर कर लीजिएगा। एनी हाउ आपने क्या करना है इस तरह से डिफरेंट ई कॉमर्स के ग्रुप्स में
लगानी है पोस्टर। तो पोस्ट जब आप लगाएंगे ना, तो आपकी इन दैट केस जब आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स आए होंगे ना, तो फिर आपको जो है ना ये प्रोडक्ट्स आपकी सेल आउट हो जाती हैं। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर कर लेना। एनी हाउ, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें ना आज हम पढ़ेंगे पेटेंट क्या है। पेटेंट पे इंशाल्लाह डिटेल वे से बात होगी। पेटेंट बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रोडक्ट हम अमेजोन पे जो कि विनिंग प्रोडक्ट आपने फाइंड करनी है ना, अब इस पे ये आपने वरी नहीं हो जाना इस बारे में कि कोई विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट की है फिर इसका मतलब है वो तो हम सेल आउट ही नहीं कर सकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। इन दैट केस फर्स्टली ये पेटेंट चेक करवाना है, और पेटेंट में अगर कोई इशू आता है तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, योर क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल। लाइक क्लाइंट अगर पेमेंट करनी भी है या फिर दूसरी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है विनिंग प्रोडक्ट, तो इन दैट केस क्लाइंट ही वो आपको अगेन पेमेंट देगा, तो आप अगेन कोई विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे अगर पहली प्रोडक्ट में पेटेंट का कोई इशू आ जाता है। अब पेटेंट बेसिकली क्या है, पेटेंट जो है ना प्रोडक्ट यानी के पीछे रजिस्टर करवा ली जाती है कि फॉर एग्जांपल कोई सेलर इस तरह से रजिस्टर करवा ले कि इस डिज़ाइन के साथ कोई नहीं चल सकता, ये मेरी प्रोडक्ट है। और इसमें दो तरह के पेटेंट होते हैं, एक डिज़ाइन पेटेंट होता है, एक यूटिलिटी पेटेंट होता है। डिज़ाइन पेटेंट का मतलब ये होता है कि यूटिलिटी पेटेंट को फर्स्टली देख लेते हैं। यूटिलिटी पेटेंट मीन यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग, अगर ये प्रोडक्ट कोई यूजेज है ना इसका ये यानी कि किल कर रही है जर्म्स वगैरह को, तो इसमें फिर किसी ने अगर पीछे पेटेंट इसका रजिस्टर करवाना है इस प्रोडक्ट को, तो वो इसके यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग रजिस्टर करवाएगा कि इस तरह का डिज़ाइन कोई सेल आउट नहीं कर सकता। तो इन दैट केस फिर हम इस तरह की प्रोडक्ट को बिल्कुल भी लॉन्च नहीं कर सकते। डिज़ाइन का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये कार है और इसमें इस तरह के व्हील्स के साथ और इस तरह से डिज़ाइनिंग करवा के किसी ने कह दिया है कि इस तरह की प्रोडक्ट अमेज़ोन पे कोई लॉन्च नहीं कर सकता, तो फिर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते। अच्छा, डिज़ाइन में ये फिजिबिलिटी हो जाती है कि अगर डिज़ाइन पेटेंट आ जाए ना, तो फिर हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करके फॉर एग्जाम्पल ऊपर से ऊपर नहीं रहने थे लेकिन नीचे से ये जो व्हील्स के डिज़ाइन है इसको थोड़ा सा चेंज करके, इस फ्रंट के स्टाइल को चेंज करके आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। यानी कि डिज़ाइन में थोड़ा हो सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन यूटिलिटी में कोई नहीं है अगर यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसने रजिस्टर करवा दिया। एनी हाउ, इसमें ना ये कौन सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, इसमें एक और चीज़ आ जाती है ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना। ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है ये जो प्रोडक्ट के ऊपर लोगो लगवाए होते हैं ना, हम किसी का लोगो स्टील नहीं कर सकते, ठीक है। हमने अपने ही लोगों के साथ चलना है अमेजोन पे। अगर किसी फॉर एग्जाम्पल किसी ने लोगो पीछे रजिस्टर करवा दिया ना, ट्रेडमार्क जिसे कहते हैं, तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा दिया तो हम उस तरह के लोगों के साथ भी नहीं चल सकते। ये चीज़ें हमने मेक श्योर करके जाना होता है। अगर पेटेंट को कोई इश्यू आ जाता है, पेटेंट कौन चेक करता है फर्स्टली, तो ये बताती चलूँ। पेटेंट चेकर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर चेक करते हैं। ये फाइवर पे भी अच्छी खासी गिग बनाई हुई है लोगों ने, और इसके अलावा ये फेसबुक से भी सर्विस प्रोवाइडर मिल जाते हैं ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें फिर आपने क्या करना है कि वहाँ पे पेटेंट चेक करवाना है और उनसे आप पेटेंट चेक करवा सकते हैं। लेट्स सी, अगर आपने किसी ने क्लाइंट अपने क्लाइंट्स के लिए भी करवानी हो तो आप बताइएगा, मैं आपको रेफर वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी, और ये भी लिंक्स हैं आप इनको भी देख सकते हैं, या फिर गूगल से भी आपको सर्विस मिल सकती है, तो इसका इशू नहीं है। बस ये है कि पेटेंट आपने चेक नहीं करवाना, ये क्लाइंट चेक करवाएगा। जस्ट आपने सर्विस प्रोवाइडर का बता देना है, और क्लाइंट जो पेमेंट देनी है ना, ये पेमेंट करनी है पेटेंट के लिए, वो क्लाइंट ही करेगा। इसमें आपने क्या करना है, प्रोडक्ट विनिंग फाइंड आउट की, अगर उसको किसी को सेल आउट किया है तो उसके बाद पेटेंट चेक करवाना है। पहले अगर क्लाइंट कहे कि आप ही पेटेंट चेक करवा के प्रोडक्ट मुझे दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं आपने करना, और ऐसा होता भी नहीं है इस मार्केट में। आपने पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, विनिंग प्रोडक्ट उसको सेल आउट करना है, उसके बाद डिपेंड करता है अगर पेटेंट का कोई इशू आ जाता है तो क्लाइंट जो है वो पेटेंट का भी चार्जेस पे करेगा, और अगर पेटेंट का कोई इश्यू आ जाता है तो अगेन नई प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए वो अगेन आपको चार्जेस प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ आप ये चीज़ें आप मेक श्योर कर लीजिएगा। एनी हाउ, ट्राई करते हैं कि अगर, क्योंकि अभी रिसेंट ना FBA कैलकुलेटर में ना काफ़ी चेंजेस ये रिसेंट अपडेट हुआ है, तो ट्राई करते हैं अगर तो ये ओपन हो गया तो देन फाइन, नहीं तो हम इसको बाद में कर लेंगे, फिर हम सेकेंड टास्क पे मूव ऑन करते हैं। यानी कि FBA कैलकुलेटर में हम ये चीज़ मेक श्योर करेंगे कि हम ये देखें, जब हमने लिंक पे क्लिक किया तो कंटिन्यूअस गैस पे आ गए, तो
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, amazon.com से जो भी प्रोडक्ट का एसन होगा उसको हम उठाएंगे, जिसका हम प्रॉफिट मार्जिन देखना चाह रहे हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन हम किसका देखते हैं, हम अपने कंपेटिटर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा कंपेटिटर भी बता दीजिए। चलो कंपेटिटर हम उसको चूज़ करते हैं जो कि जिसका रेवेन्यू बहुत अच्छा हो और रिव्यूज़ कम हो ना, टॉप 20 में, वो हमारे इन एक्चुअल कंपेटिटर होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल की होल्डर है, और ये आजकल जो है ना, ये Q4 चल रहा है, जो कि साल के एंडिंग 4 मंथ्स होते हैं, जो कि अमेजोन पे बहुत हाई सेल होती है इन डेज में। तो इन डेज में जो है ना, कोई भी बिजनेस मेरे ख्याल में आपको स्टार्टअप नहीं करना चाहिए। उसके बाद यही रीज़न है कि इस इन डेज में सेल बहुत हाई होती है, तो सोर्सिंग भी हमें अच्छी प्राइस नहीं मिल रही होती, या फिर अगर होलसेल मॉडल पे जाएं तो हमें ब्रांड से अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा इसमें मैं बता दीजिए, लो फॉर एग्जांपल हमने Helium10 या जंगल स्काउट को रन किया, और टॉप 20 में से हमने उस कंपेटिटर को चूज़ करना है जिसके रिव्यूज़ कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है, ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल हमने इसको चूज़ किया जिसके रिव्यूज़ कम है एंड रेवेन्यू माइट बी के रैंक किया हुआ है, रेवेन्यू ज़्यादा हो, लेकिन आपने Helium10 और जंगल स्काउट के एक्सटेंशन को रन करके ही उसको चूज़ करना है। मैं वैसे ही मैनुअल कर रही हूँ इस टाइम पे। अच्छा आपने क्या करना है कि आपने एक्सक्यूज जी मी मैम, ये अभी आपका जो है ये पावर पॉइंट साइड जा रहा है कि नहीं? आप कहीं और पे हैं? स्क्रीन में तो आपसे यही शो हो रहा है, वेबसाइट वगैरह तो नहीं है? एक सेकेंड अभी आप बताइए, स्क्रीन शेयर है? स्क्रीन शेयर है? हाँ, अभी इससे पहले 2-3 मिनट वो बिल्कुल जो है यही पावर पॉइंट स्लाइड नजर आ रहा था। अच्छा, नहीं आप साथ साथ गाइड कर दिया करें, अगर कहीं पे इस तरह से हो रहा है तो उसका हाँ, ये नहीं, जो है। आपने इससे पहले जितनी भी बातें की तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे सिर्फ पावर पॉइंट नजर आ रहा था। अच्छा, फिर आप मुझे बता देते, आपने बताया नहीं मुझे, ये था मैं गूगल की स्क्रीन पे आ चुकी हूँ। चले कोई इशू नहीं नहीं, बाकी तो यानी हम अभी यार, इसको अभी अभी सही है, अभी सही है, बस दोबारा से कर दें वो 2 मिनट का। ओके अगेन रिपीट कर देती हूँ, हम जा रहे हैं FBA कैलकुलेटर पे प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने। सो डैट्स वाई मैंने क्या किया है कि आपने फॉर एग्जांपल ये देखें, अमेजोन FBA कैलकुलेटर फॉर USA आपने राइट करना है, और ये इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक किया तो ये वाला इस तरह का पेज ओपन होगा। फॉर एग्जाम्पल इस पे आपने ओपन किया, जब आपने ओपन किया करना है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा लॉग इन का या फिर कंटिन्यू एज गेस्ट। डेफिनेटली कंटिन्यू एज गेस्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप कंटिन्यू एज गेस्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह का पेज आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका कीवर्ड होगा ना, की होल्डर, जैसे आप amazon.com पे राइट किया, तो की होल्डर के अकॉर्डिंग आपके पास जो है ना JS या Helium10 को जब आप रन करते हैं, तो उस पर फिर आपने ये चीज़ देखनी होती है कि कौन सा जो है आपका कंपेटिटर होगा। कंपेटिटर कौन सा होगा, जिसके रिव्यूज़ कम होंगे और रेवेन्यू ज़्यादा होगा ना टॉप 20 में, वो आपका इन एक्चुअल कंपेटिटर होगा। आपने उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है, और उसको नेक्स्ट ऐप में ओपन कर लेना है। अब उसको नेक्स्ट ऐप में ओपन करने के बाद आपने यहाँ से आपने उसका ना एसन कॉपी करना है। एसन आपको कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्ट डिटेल पेज से। ये देखिए प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल पेज में आपको ये एसन है, आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद हमने अब इसका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन ये प्रोडक्ट पे आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस है 24, तो यहाँ पे सर्च अमेज़ॉन कैटलॉग यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने जो है ना उसको पेस्ट कर दिया, जो इसे आपने कॉपी किया होना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके रिगार्डिंग ये नीचे आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब ये जो कैलकुलेटर ओपन हुआ है ना, इसमें ऑलरेडी 24.99 प्राइस लगा दी है, जो कि अमेज़ॉन पे इस प्रोडक्ट की लगी हुई है ऑलरेडी। ये देखिए 24.99 है,
अब हमें डिपेंड करता है कि सप्लायर कितनी की प्रोडक्ट दे रहा है, हमने क्या करना है कि सप्लायर से किस तरह से लेना है, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। सप्लायर पे जाके हम किस तरह से मूविंग, मतलब सप्लायर से किस तरह से प्राइस लेंगे या निगोशिएशन करेंगे, या कितने की प्राइस हमें मिल सकती है सप्लायर से, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एनी हाउ इसमें आपने क्या करना है, जो आपका मेन कीवर्ड होगा ना, फॉर एग्जाम्पल की होल्डर आपका कीवर्ड है, सो आपने की होल्डर यहाँ पे राइट किया और उसके रिगार्डिंग आपने यहाँ से सप्लायर को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अब सप्लायर को भी चूज़ करने का ना एक क्राइटेरिया, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे सोर्सिंग के लेक्चर में। एनी हाउ अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही जो है ना सप्लायर को अप्रोच करूँगी ताकि प्राइस का हमें आइडिया हो जाए। माइट बी कि आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि सप्लायर जो प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह लगा के बैठा है, वो आपने जो प्रोडक्ट देखी हुई है अमेज़ॉन पे, वो उस तरह की होनी चाहिए। ये तो वैसे की होल्डर जस्ट हमें बता रहा है, इस तरह के सिंपल की चेन टाइप बता रहा है, लेकिन ना प्रोडक्ट हमारी नेचुरल जो है ना, वो की होल्डर फॉर वॉल इस तरह की है, जो कि हमने पीछे देखी भी है की होल्डर। ठीक है, की होल्डर फॉर वॉल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा कि ये प्रोडक्ट की प्राइस इस तरह की हमारी इमेज थी, और ये प्रोडक्ट की क्या प्राइस दे रहा है, 1.81। सो देख लेते हैं 1.81 के अकॉर्डिंग। वैसे मैंने एवरेज के अकॉर्डिंग इस प्राइस को कंसिडर किया, जब हम इससे बात करेंगे ना तो हमें फिर पता चलेगा ये प्राइस क्या दे रहा है। वैसे तो एस्टिमेशन इसने बता दिया है कि इसमें, अब ये 1.81 माइट बी कि वो 1000 पीस पे दे रहा हो प्राइस, ठीक है, डिपेंड करता है सिनेरियो पे, इससे बात करके पता चलेगा। वैसे हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया कि वैसे एवरेज इसको कंसिडर कर लिया। अब अगेन हम उस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन में जाएंगे और यहाँ पे जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स यहाँ पे इसको पेस्ट किया। देन आपने मिसलेनियस जो कॉस्ट है वो ये होती है, जो आपने फॉर एग्जांपल चाइना से सोर्स कर रहे हैं और अमेजोन डॉट को डॉट यूके में प्रोडक्ट जा रही है, या यूएसए के अकाउंट पे जा रही है, तो इसमें इनको जो शिपमेंट करवानी है ना वहाँ से चाइना से ऑनवर्ड यूके या यूएसए तक, तो वो पर प्रोडक्ट फ्रेट फॉरवर्डर हमें हायर करना पड़ता है, जो हमारी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन चाइना से लेके अमेज़ॉन तक पहुँचाता है। अब वो क्या कॉस्ट लेता है पर प्रोडक्ट, एवरेज हम कंसिडर करते हैं कि $2 वो हमसे कॉस्ट करेगा। अब इसमें आप प्राइस देख लें, प्रॉफिट देख लें, $9 आ रहा है। इट्स मीन कि $9.37, तो 37% डेट्स टू गुड, यानी कि अगर ये आपका 25% से ज़्यादा होना चाहिए, 25% से नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए प्रॉफिट मार्जिन, ये चीज़ आपने कंसिडर कर लेनी है। एनी हाउ ये प्रोडक्ट यानी कि फिर प्रॉफिट अच्छा दे रही है, और इसमें जब आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आपने इतने इतना जो है ना इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक आप लेंगे और उसको भी आप ऐडअप करेंगे वहाँ पे जाके, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेना बताया है, या फिर जितने भी स्टैट्स वगैरह आपने लगाने हैं। एनी हाउ इसमें प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन फिर आप इस तरह करेंगे। अब एक और चीज़ है जिसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन के अलावा ना एक और है, कंपेटिटर एनालिसिस हम किस तरह से करेंगे। वो माइट बी वो स्लाइड्स मुझे मिल जाए, उसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि इसी में कवर कर लेते हैं, ताकि हम सोर्सिंग लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ कंसिडर हो जाए, कंपेटिटर एनालिसिस हम किस तरह से करते हैं। जस्ट वेट कीजिएगा। अच्छा, इसमें ना मैं अभी यहाँ से यहाँ पे इसको सेव कर रही हूँ, तो नेक्स्ट हम जो है ना फिर कंपेटिटर एनालिसिस से अगेन स्टार्ट करते हैं, तो आपने जो है ना वेट करना है, मैं स्लाइड्स फाइंड आउट करके और अगेन लिंक आपको शेयर करूँगी 2 से 3 मिनट के अंदर, आपने देन स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह।